नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो जमीन है संभालने के लिए अपनी बहन को दे देता है, जो सुनते ही आंटी को गुस्सा आता है। तो कहती भी है बेटी से कि बेटी तू जमीन संभालेगी ऐसे कैसे। अंकल भी कहते हैं हाँ तू बच्ची अभी है तुझसे जमीन संभाला नहीं जाएगा, जा जा अपनी मम्मी को दे दे। तो बेटी भी कहती क्या ना भाई मैं बहुत सालों से चोरी चुपके से जमीन कैसे संभालते, जमीन की खेती बाड़ी कैसे करते, मैं उसकी पढ़ाई कर रही थी, मेरे को बहुत ही ज्यादा बोले तो नॉलेज यहाँ पर मैं संभाल लूंगी। जो सुनते ही आंटी को बुरा लगता है, बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि बाप रे मैं हमेशा से ना इस अपने भतीजे को और इसकी होने वाली जो बीबी है ना उसको अपने दुश्मन मानती थी कि वो दोनों मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। लेकिन अब पता चला कि भाई मेरा दुश्मन और कोई नहीं बल्कि मेरी बड़ी वाली बेटी यहाँ पर है, मेरी बेटी। और ऐसा घुर घुर के देखे जा रही थी। तो बेटी भी कहती है भाई क्या हुआ मिजान मुझे ऐसा घुर घुर के कह को देखे जा रही हो। वो भी कहती बुद्धू कहीं कि मैं तुम्हें थोड़ी देख रही हूँ, मेरी जो आंखों की गोटी है ना मेरी आंखों की गोटी तुझे घुर घुर के देखे जा रही है। बुद्धू कहीं की पता नहीं किसकी बुद्धू सी बेटी है। अब आते भाई अगर आपको याद होगा उसके जो डिसाइपल अपने सेल लीडर के उनमें से एक सीनियर डिसाइपल यहाँ पे थी लड़की वाली जो सेकुलेशन में यहाँ पे थी सेकंड डिसाइपल, उसको सेकुलेशन से बाहर निकलवा देता है मास्टर। तो वो भी कहती कि अरे यार मैं बहुत ही जल्दी चौथे ग्रेड का ये बनने वाली थी वॉर्डलॉक, पता नहीं आई डोंट नो मास्टर ने कहे को यहाँ पे बुला लिया। तो जैसे बाहर निकल के जा रही थी वैसे एक लड़का उसको देखता है, वो देखते एकदम चौंक जाता है और जैसे चौंकता है एकदम भागने लगता है। तो ये भी कहती है संभल के यार वरना तुम नीचे गिर जाओगे। जैसे ये बोलती है लिटरली वो ऐसे गिर जाता है। उसके हाथों में एक पॉइजन, उसी पॉइजन का जो एंटीडोट है ना वो लेके जा रहा था। हाँ तो गलती से पॉइजन का जो ग्रास था वो टूट जाता है और जैसे टूटता है हाँ तो पॉइजन इसके मुंह में चल जाता है। वो भी चलाता मम्मी रे ये हमारे सीनियर सॉन्ग का पॉइजन यहाँ पे था मेरे मुंह में चल गया, अरे जल्दी से वो दवा बाजू में दवा मुझे पिलाओ। हाँ तो ये लड़की आती है दवा उसको देती है जिसकी वजह से वो ठीक हो जाता है। फिर वही लड़के जाके अनाउंसमेंट कर देते कि भाई जो सीनियर जोंग यानी उस लड़की का नाम है ना जोंग ली पूरा नाम था। हाँ तो ये भी कहते सीनियर जोंग ली बाहर आ चुकी है। तो लोग कहते क्या सीनियर जोंग ली बाहर आगे पन होती की देवी। और तभी अचानक से दो तीन और ग्लास है ना ऑटोमेटिक फूटने लग जाते हैं, शायद वो बैड लक होगी जहाँ जाती है वहाँ पे शायद बैड लक वगैरह हो जाता होगा। बाद में जाती है अपने मास्टर के पास यानी लीडर के पास और कहती है मास्टर नमस्कार। तो मास्टर भी कहते स्वागत है, आई नो भाई तुम चौथे ग्रेड पे जाने वाली थी लेकिन जाने से पहले आ गई, नहीं जा सकती लेकिन मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल चुका है जिसके द्वारा तुम चौथे ग्रेड पे जा सकती हो। उसके बाद नाम को एक और छोटा सा रूल के बारे में बताया जाता है कि हमारे पृथ्वी पर होता है कि ये कास्ट का है तो बड़े कास्ट का हो गया, ये छोटे कास्ट का यहाँ पर है वैसे वन का। यहाँ भी ना चार ऐसे कैटेगरी यहाँ पे थी, सबसे ऊपर ड्यूक मॉर्क्विस नोवेल और सबसे नीचे कॉमन यहाँ पर आता है। और हर जो कैटेगरी है ना वो पांच अलग अलग ग्रेड में यहाँ पे डिवाइड है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड और फिफ्थ ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड सबसे बढ़िया होता है और फिफ्थ ग्रेड सबसे बेकार यहाँ पर होता है जिसमें जो हमारी शाओ फैमिली यहाँ पे थी यानी हमारी मेन कैटेगरी फैमिली जो सबसे नीचे कैटेगरी आती है ना कॉमन लोग की कैटेगरी उसमें भी थर्ड ग्रेड यहाँ पे था। हाँ ये पहले यहाँ पे था लेकिन अब धीरे धीरे उसकी औकात यहाँ पे बढ़ चुकी है। क्या ना भाई अभी हमको पता है इसने कमाल कमाल का मिशन किया है, कमाल कमाल के केस सॉल्व किया जिसके चक्कर में विस्काउंट का टाइटल यहाँ पे मिला है। पहले फॉर एग्जाम्पल कोई प्रिंस या राजा है जिसने कॉमन लड़की के साथ यहाँ पे शादी कर ली तो लड़की का जो परिवार है ना कैटेगरी उसके ऊपर यहाँ पे बढ़ जाएगी और नॉवल कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन वो तो राजा या फिर प्रिंस उनकी औकात सोचो कितनी बड़ी यहाँ पे थी, या फिर कोई मिनिस्टर हो गया जो कि नॉवल कैटेगरी में आता है उसने अगर शादी यहाँ पे कर ली कॉमन कैटेगरी में फोर्थ क्लास या फिफ्थ क्लास वाले किसी लड़की के साथ उस लड़की का जो परिवार है ना उसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा लेकिन वो कॉमन में रहेगा पहले ग्रेड या सेकंड ग्रेड पे आ जाएगा। लेकिन शौक हुए इनकी फैमिली जो कि भाई कॉमन में थर्ड ग्रेड पे थी, अभी ये सब कुछ होने के बाद टाइटल मिलने के बाद ना नॉवल कैटेगरी में आ चुका है। और ऐसा रिटेल ना 100 साल में पहली बार हो रहा है कि कोई ऐसा टाइटल मिलने के बाद ना डायरेक्ट कॉमन से नॉवल में यहाँ पे आ रहा है तो शौक फैमिली के लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो सबसे पहले एंसेस्टर लोग जो ग्रेवयार्ड है वहाँ पे जाते प्रार्थना करते और फिर घर पे आते और लिटरली पार्टी मनाते हैं। हाँ तो आंटी कहती भाई सुनो कल एग्जाम है हमारे बेटे का, हम लोग पार्टी मना रहे हैं, बेचारा पढ़ाई नहीं कर पाएगा तो फेल भी हो सकता है। जो सुनते अंकल कहते जो हमारा पुराना घर यहाँ पे था ना पुराने घर में कोई नहीं रहता, जाओ बेटे को बोल किताब लेके वहाँ पे जाए वहाँ पे पढ़े, हम तो पार्टी करेंगे यहाँ पर। जो सुनते बेटा भी लाइक इनकी पार्टी चलेगी लेकिन यार ये तो गलत बात है। अब आते शौक वेन की ओर जो पार्टी वार्टी मना के अपने कमरे में लेटा हुआ है, सोचता जो टकला मौक यहाँ पे था ना मैंने हल्के से पैसे भी उसको दे दिए जिससे वो अनाथ आश्रम चला ले, यह सब कुछ बढ़िया है कोई दिक्कत की बात ही नहीं है अब। और तब इसकी बॉडी में जो शेंशु नाम का मौक है ना उसकी आवाज आती है कि जो कैपिटल सिटी है ना वो छोड़ के चल जा। तो हमारा शौक वेन हिल जाता है क्या कैपिटल सिटी छोड़ के यहाँ से निकल जाऊँ, अरे यार कौन बोल रहा है, अरे तो शेंशु यहाँ पे बोल रहे हैं, वो तो चुपचाप मेरी बॉडी में सोते रहते हैं, जब मैं सामने से कुछ पूछता हूँ तो कभी कभार कुछ बोलते और ना बोलते भी नहीं है, आज सामने से बोल रहे हो ऊपर से सिटी छोड़ जाने के लिए ऐसे कैसे, मुझे बातें पूछनी पड़ेगी। तो वापस अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, शेंशु से मिलता है, कहता है क्या बोल रहे थे, वो कहता है कैपिटल सिटी छोड़ के चल जाओ। हमारा शौकन सोचता है अभी अभी मुझे टाइटल यहाँ पे मिला है, इनर सिटी मैंने घर भी ले लिया, इतनी खुशी खुशी जिंदगी यहाँ पे चल रही थी, वाई गोंग ने भी बोला था ऐसे काम करते रहे तेरा और भी ज्यादा प्रमोशन हो जाएगा, तो मैं गोल्डन सोल्जर बन जाऊंगा तो सैलरी भी ज्यादा हो जाएगी, प्रिंसेस के साथ भी मेरा रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया चल रहा है, यहाँ तक कि वाई के साथ भी बढ़िया चल रहा है, या तो प्रिंसेस या वाई के साथ शादी हो जाएगी तो जिंदगी और
बल्ले बल्ले हो जाएगी। इन शॉर्ट जिंदगी ना पटरी पे आना चालू हुआ था। वैसे में ये कह रहे कि सिटी छोड़ के यहाँ से चल जाए, जो भी पटरी पे आ रहा है ना वो वापस पटरी से निकल जाएगा। मुझे बताओ यार मैं सिटी छोड़ के काहे को जाऊँ, जो सुंदर शेंशु कहते हैं, क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही है कि वेस्टर्न एरिया के लोग यहाँ पे आने वाले हैं। तो शाओ कैन को याद आता वेस्टर्न, अरे वेस्टर्न एरिया में तो सारे मॉन्क लोग रहते और बुद्धिज्म को पूरा सेट और सब कुछ वहीं पर एस्टेब्लिश है। मुझे याद है हमारे एरिया में जो मॉन्क वाला सेट था, जब धमाके का केस हुआ था उस मॉन्क वाले सेट में गया था तो उसका जो लीडर है ना वेस्टर्न एरिया में चले गया था शायद सब कुछ बताने के लिए। और हमको पता है जो पहला केस धमाके वाला उसके साथ मॉन्क लोग का कितना बड़ा कनेक्शन यहाँ पर है। तो लगता है मॉन्क लोग की पूरी टीम आने वाली है, पूरी टीम आएगी और जैसे मुझे देखेंगे तो मेरी बॉडी में जो शेंशु है इसको देख के पहचान जाएंगे, तो जाहिर सी बात है मेरे लिए मुसीबत तैयार होगा। तो उसी मुसीबत से बचने के लिए ये मुझसे यहाँ से जाने को बोल रहे हैं। वो शिट या देखा जाए तो ये भी काफ़ी बड़ी मुसीबत है। तो मैं सच्ची में चल जाऊँ ना कन्फर्म बता दो, तो वो कुछ नहीं बोलता। तो शव कैन भी लाइक अरे यार फिर से पुराना इसका एटीट्यूड आ गया, वो सारी बातें छोड़ो मैंने सुना जो मॉन्क लोग हैं ना भाई उनके पास कमाल की टेक्निक होती है अपने बॉडी को स्पेशल यहाँ पे बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। वाइगोंग कह रहा था आपके पास कुछ है टेक्निक नहीं तो नॉलेज मुझे बता दो, मैं यार कर लूंगा। जो सुंदर मॉन्क कहते मैं तो बस एक आत्मा हूँ, मैं तुझे कुछ भी सिखा नहीं सकता। इतना बोल के शव कैन को वापस भेज देता। तो शव कैन अपने कमरे में वही लेटा हुआ था, मनी मन सोचता कि वो आत्मा नहीं है बल्कि वो भाड़ेदार है जो कि मेरे घर को ना एक कमरा कहता ना भाड़े का, वो भाड़े कमरे पर रह रहा है बिना भाड़ा यहाँ पे दिए हुए। और जब मैंने टेक्निक के बारे में पूछा तो बोला कि भाई मेरे को पता ही नहीं है यार, मॉन्क लोग आएंगे बोलो शेंशु को देख लेंगे इसलिए मुझे जाने को बोल रहा है, तो मैं जा सकता हूँ। कह रहा मैंने इतने लंबे समय से इतना केस यहाँ पे सॉल्व किया है, मैं कभी पिकनिक पे नहीं गया हूँ, ऐसा समझे अपने परिवार के साथ ना पिकनिक मनाने के लिए मैं बाहर यहाँ पे निकल जाऊंगा। लेकिन एक दिक्कत है, तुम नाइट वॉचर यहाँ पर ना तुमको छुट्टी मिलेगी, लेकिन तुमको ना एक रीजन देना पड़ेगा कि भाई मुझे इस रीजन के लिए छुट्टी चाहिए। मैं बोलूँगा कि भाई वेस्टर्न एरिया से मॉन्क आ रहे हैं उनके डर के मारे मुझे दूर जाना पड़ रहा है तो मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, और मैं तो ये बातें बता भी नहीं सकता, मुझे एक बढ़िया बहाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि बुड्ढे से पूछ लूंगा कि बुड्ढे बता क्या एग्जाम्पल चाहिए, बुड्ढा या फिर मिरर में जो बाकी बंदे हैं वो लोग रिप्लाई दे सकते कि जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत है उस मुसीबत को दूर करने के लिए जाना पड़ रहा है, या कोई बहुत ही बड़ा केस है उस केस सॉल्व करने के लिए जाना पड़ रहा है। उससे मुझे याद आया वाइगोंग जो कोकोबाई चेन पकड़ी गई है उनका जो केस है वो भी एक्सपोज हो गया है मेन, लेकिन कोकोबाई चेन के पीछे भी कोई है इसका हमको आइडिया है। तो वाइगोंग है ना उस बंदे को पता करना चाहता है, और जब तक के लिए जो कोकोबाई चेन हो गई वो मरानी हो गई वो उनके बीच में ना आपस में पक्का लफड़ा चालू हो जाएगा। हो सकता है जो डेड बैटल है ना इतना डेडली हो जाए कि शायद कोकोबाई चेन मर जाए या तो मरानी मर जाए। माई चांस मान लो कि मैं छुट्टी मनाने के लिए चल गया बाहर कभी, जो वेस्टर्न एरिया के लोग निकल गए और जब मैं वापस आ गया पता चला या तो कोकोबाई चेन मर गई या तो मरानी मर गई या दोनों यहाँ पे मर गए। वो शिट यार ऐसा होना नहीं चाहिए यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता कुछ भी दुश्मनी यहाँ पर, मैं तो चाहता हूँ बड़की वाली भी खुश यहाँ पर है और छोटकी वाली आई मीन सेकंड वाली भी खुश यहाँ पर है। ये दोनों की माँ खुश रहेगी तो ये दोनों भी खुश रहेंगी और मेरे साथ चिपक जाएंगे तो मुझे इनके साथ रिसम करने का मौका मिलेगा। हाँ ऐसी ऐसी बात यह सोचे जा रहा है। उतने में नौकर आता है और आते कहते सुनिए जो मिस वाई है ना वो आपसे मिलने आई है। शाओ कैन भी लाइक वाई यार हमेशा इसके बारे में सोचता हूँ लेकिन मुलाकात आज लंबे समय बाद होने वाली है, चलो यार मैं आ रहा हूँ। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है, तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।